दुनिया के सबसे बड़े जंगल अब जब दुनिया से पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, ऐसे में भी कई जंगल हैं जिन्होंने अपने पांव जमा कर इंसानों का सामना किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल की, वह जंगल जो करोड़ों साल से यहाँ मौजूद है, वह जंगल जो घर है खूंखार आदमखोर जानवरों का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। नंबर 10, मिंडो नाम्बिलो क्लाउड फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में फैले इस जंगल को अगर दुनिया का सबसे ठंडा जंगल कहे तो गलत नहीं होगा। ये जंगल 192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगल अमेज़न के जंगलों से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन इसका मौसम अलग होने के कारण ये उनका हिस्सा नहीं है। इस जंगल में 1600 से भी ज्यादा खतरनाक पक्षी, मेंढक और अदर्स एनिमल्स की स्पीसीज रहती है, जिससे इंसानों का बचना ही नामुमकिन है। यहाँ साल भर लगातार बारिश होती रहती है, जिस कारण ये जंगल जलीय कीड़ों से भरा रहता है। नंबर 9, किनाबालु नेशनल पार्क, एशिया। मलेशिया में बना किनाबालु नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, ये जंगल 754 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगल ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इस जंगल में 5000 से ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन वह जानवर जो खूंखार और आदमखोर है अब तक सही सलामत है, जो इंसानों को आराम से खत्म कर सकते हैं। दिन के दौरान ये जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही खतरनाक लगता है। नंबर 8, डेंट्री फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया। डेंट्री फॉरेस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों का घर है। ये जंगल 1200 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस जंगल में 10,000 से ज्यादा जीव जंतु और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा घेरे इस जंगल में सभी स्पीसीज की तितलियां, चमगादड़ और हजारों कीड़े रहते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार इस जंगल में घूमने के लिए टिकट चार्ज करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे पुराना जंगल है? नंबर 7, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ शियांगबाना, एशिया। दक्षिण चीन में फैला ट्रॉपिकल जंगल चाइना और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जंगलों में से एक है। ट्रॉपिकल जंगल की लंबाई कुल 2402 वर्ग किलोमीटर है और ये चाइना के एक बड़े हिस्से में फैला है। ट्रॉपिकल जंगल में 3500 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण एशिया के संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। इस जंगल में खतरनाक स्नेक्स, जहरीले मेंढक और खूंखार लायन और टाइगर पाए जाते हैं, जो चंद सेकंड में इंसानों को खत्म कर सकते हैं। नंबर 6, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन की लंबाई कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है और साथ ही साथ ही भारत के भी कुछ हिस्से में फैला हुआ है। इस जंगल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सफेद रंग के बाघ केवल सुंदरबन के जंगलों में ही पाए जाते हैं। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो काफी खतरनाक होते हैं। सुंदरबन के डेल्टा में भारत की सबसे पवित्र नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना जैसी नदियों का समुद्र में संगम होने के कारण सुंदरबन जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 5, टोंगास, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, यानी कि इसका पूरा एरिया श्रीलंका के पूरे एरिया से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में फैला हुआ है। टूरिस्ट विजिट के मामले में ये जंगल दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जंगलों में से एक है। हर साल इसे देखने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों, ये जंगल जानवरों और पक्षियों के साथ ही आदिवासी इंसानों का भी घर है। यहाँ पर 75,000 से भी ज्यादा लोग 25 अलग अलग आदिवासी समुदाय में रहते हैं, जो इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। नंबर 4, वाल्दिविन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। 2,48,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला वाल्दिविन फॉरेस्ट साइज में यूनाइटेड किंगडम से ज्यादा बड़ा है। ये दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में फैला हुआ जंगल है।
मुख्य तौर पर यह चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। दोस्तों, ये एक रेन फॉरेस्ट है जिस कारण यहाँ लगातार बारिश होती रहती है। इस जंगल में 122 से भी ज्यादा तरह के पौधे पाए जाते हैं। लगातार बारिश के कारण यहाँ पेड़ काफी ज्यादा घने होते हैं, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इस जंगल में कई प्रकार के खतरनाक कीड़े, मगरमच्छ और स्नेक्स भी पाए जाते हैं, जो इंसानों को एक पल में मौत की नींद सुला सकते हैं। नंबर 3, कांगो रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका। 3.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में एरिया में फैला कांगो जंगल आकार में अलास्का और दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा बड़ा है। इस जंगल में 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी जंगल से ज्यादा है। दोस्तों, कांगो रेन फॉरेस्ट में लगातार बारिश होती है, जिस कारण कांगो जंगल से होकर बहने वाली नदी में 500 से भी ज्यादा वैरायटी की मछलियां पाई जाती हैं। कांगो जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है। यहाँ मौजूद पिराना मछलियां किसी भी इंसान को मिनटों में खत्म कर सकती है। कांगो जंगल में 1,000 से भी ज्यादा तरह के पक्षी और 500 से भी ज्यादा तरह के खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जो इंसानों को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। नंबर 2, द अमेज़न फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला अमेज़न जंगल पूरी दुनिया में जंगलों का राजा माना जाता है। दोस्तों, ये एक साथ पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, सुरीनाम, गुयाना और वेनेजुएला जैसे देशों में फैला हुआ है। अमेज़न जंगल करोड़ों पक्षी और जानवरों का घर है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इस कारण यहाँ साल में लगातार बारिश होती रहती है। अमेज़न का जंगल जानवरों के लिए स्वर्ग है, तो वही ये इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी है। दोस्तों, यहाँ पर कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो इंसानों को कच्चा चबा जाने में दम रखते हैं। अमेज़न के जंगलों में अमेज़न नदी भी मौजूद है, जिसकी लंबाई 6500 किलोमीटर है। कहा जाता है कि इस जंगल में ना सिर्फ जानलेवा जानवर रहते हैं, बल्कि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक कबीलों के आदिवासी भी रहते हैं। इस कबीले के लोग इंसानों को अपनी दुनिया के लिए खतरा मानते हैं और इसीलिए उन्हें देखते ही उसकी सांसें रोक देते हैं। नंबर 1, टाइगा, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है टाइगा। दोस्तों, टाइगा जंगल 1,20,00,000 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टाइगा एशिया में रूस, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है। दोस्तों, ये जंगल आर्कटिक महासागर में मौजूद है। अगर इस जंगल का टोटल एरिया देखा जाए तो टाइगा भारत और चीन के पूरे एरिया से भी ज्यादा बड़ा है। टाइगा जंगल एक कोल्ड फॉरेस्ट है, इस कारण यह हर वक्त काफी ठंडा रहता है। टाइगा के कई हिस्सों में लगातार बर्फ गिरती रहती है। यहाँ का टेम्परेचर आसानी से इंसानों की जान ले सकता है, इसलिए यहाँ कुछ ही जानवर सरवाइव कर पाते हैं। दोस्तों, टाइगा का मौसम इतना ज्यादा क्रूशियल होता है कि इसे पेड़ भी आसानी से झेल नहीं पाते, इसलिए यहाँ 2 से 3 तरह के पेड़ ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे विशाल जंगल। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।